विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने हर वर्ग का विकास किया, भाजपा प्रत्याशी लखन कुमार वर्मा ने ये बात कही। भाजपा प्रत्याशी लखन कुमार वर्मा ने चौरे विधानसभा के बिछुआ तहसील के गांवों में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास किया। चौरई चांद और बिछुआ खमार पानी में के गाँव का पूरा विकास करना उनका पहला कर्तव्य होगा। लखन कुमार वर्मा ने कहा कि हर समाज और वर्ग के लिए वे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की लाडली बहना योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभान्वित किया है। माचागोरा बांध का पानी भाजपा सरकार के चलते आज क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला रहा है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव के बाद अन्य गाँव को नहरों से जोड़ने का काम कराएंगे। चौरई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी लखन वर्मा ने बिछुआ तहसील के सामरबोह, सुरंगी, खैरीमाली, अकलमा, मोया, मोहगांव खुर्द आदि गाँव में जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं लखन कुमार वर्मा, मुझे 124 चौरी से विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है और मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं निरंतर राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। मैं पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत से लेकर मंडी चुनाव, ऐसे कोई दायित्व बाकी नहीं है। मैंने दो बार जिला पंचायत का निर्वाह करा हूँ और वर्तमान में मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ। और निश्चित ही मैं जब क्षेत्र में निकला हूँ, मेरे टिकट मिलने से मेरे पूरे क्षेत्र में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिस दिन टिकट घोषित हुई थी उस दिन बहुत सारे लोग मुझे बधाई देने आए, और साथ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही मुझे चौरी विधानसभा से विजय हासिल हुई। आपके क्षेत्र में अभी निर्माण कार्य, क्या क्या विकास कार्य रहना होना बाकी? अभी मेरे क्षेत्र में चौड़ी विधानसभा में जो भी हमारे परम आदरणीय पूर्व विधायक सम्माननीय पंडित रमेश दुबे जी के जो कार्यकाल में छूटे हुए काम थे, उनके आशा के अनुरूप जो काम छूटे हुए थे जो रह गए, उस काम में मेरी पहले प्राथमिकता रहेगी। चाहे माचागोरा डैम की बात हो, जाम की बात, जाम नदी के बांध की बात हो, मेरा क्षेत्र पानी से बहुत वंचित है, उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को पहली बार चौरई विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया, तो आप कैसे देखते हो? मेरा यह मानना है कि जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है, तब से किसी भी दल ने ओबीसी को कोई महत्व नहीं दिया है। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है, मुझ पर विश्वास किया है, क्योंकि विश्वास में खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी इतनी जन कल्याणकारी योजना है, गरीब कल्याण की योजना करी। अब हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत पूरे जो भी 80 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क राशन देने के काम किए हैं, 5 साल तक निरंतर देते रहेंगे। ऐसी बहुत सी ऐसी संबल योजना हमारी, उज्ज्वला योजना है, ऐसी बहुत सी योजना है, उसके कारण प्रधानमंत्री आवास है, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन के आते हो, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आप जनता के लिए? पहले प्राथमिकता रहेगी जो दूर दरार है, डॉक्टर स्वामी दीनदयाल जी के उनके पदचिन्हों पर चलूंगा। जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम गाँव का जो गरीब व्यक्ति है, वहाँ तक मेरी केंद्र की प्रदेश की योजना का वहाँ तक लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पूरा क्षेत्र में भ्रमण करके पूरी योजना का संचालन कराऊंगा। आप गांव-गांव में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का संदेश कैसा मिल रहा है? बिल्कुल एकदम अटूट संदेश लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 15-20 साल से निरंतर कार्यरत है, तो निश्चित ही लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना मांगे सब कुछ देती है, और लोगों को अटूट विश्वास है हम लोगों का, क्योंकि अभी जो पहले 15 महीने यहाँ कांग्रेस की सरकार रही और हमारे वर्तमान विधायक जी रहे 15 महीने, उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके कारण आज वोट मांगे। सिर्फ आज विधायक होने के बाद उनको जो बताना पड़ रहा है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए आप वोट दीजिए। बिछुआ विकासखंड के पहली बार विधायक बन के आप विधानसभा में जाएंगे, तो कैसा महसूस करेंगे, कैसा जनता? मेरा यह मानना है चौड़े विधानसभा के सभी लोग उत्साहित तो हैं, लेकिन बिछुआ ब्लॉक को एक अपनी आत्मीयता रहेगी। क्यों रहेगी? कि यह कभी किसी ने नहीं सोचा था कि चौड़े से टिकट बिछुआ ब्लॉक में आएगी। ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिछुआ में जो टिकट आई है तो महाराष्ट्र के कोने में टिकट आई है, इसलिए बिछुआ के लोग सभी उत्साहित। बिछुआ से चंचले शिंदारकर की रिपोर्ट।